अपने किसान नेता के सिंह जी सामने बैठे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग मातृशक्ति नौजवान साथी युवा साथी आप सभी ग्रामवासियों का यहाँ इस पावन धरा पे पहुँचने पे मन दिल की गहराइयों से नंदन वंदन अभिनंदन करते हैं। देखिए पूर्व बताओ ने बोलने के लिए तो कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, मेरे पास भी बोलने को इतना कुछ है। शुरू करो तो शाम तक खत्म होगा मेरा भी। देखिए शुरुआत करूंगी छोटे बच्चों से, क्योंकि जब हम मकान भी बनाते हैं तो नींव रखते हैं और नींव कमजोर होगी तो मकान ढह जाएगा। इसी प्रकार समाज का एक मुख्य अंग है ये बच्चे। तो जब कांग्रेस सरकार का शासन था तो 2624 नए सरकारी स्कूल खोले गए थे, और पिछले 10 वर्षों में जब बीजेपी सरकार का शासन आया तो 5000 से ज्यादा सरकारी स्कूलों पर ताला लगने का काम किया गया बीजेपी सरकार द्वारा। तो सीधे सीधे इन छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा का अवसर बंद करने का काम किया गया बीजेपी सरकार द्वारा। युवाओं को रोजगार देंगे जब वो युवा साथी पहले बचपन में पढ़ेंगे, शिक्षा की नजर दिया तो आगे रोजगार तो देने का वो क्या ही काम करेंगे। फिर बात करूँ जो बचे कुछ कुछ सरकारी स्कूल, उसमें आज भी 50% से ज्यादा अध्यापिकाओं की पद खाली है, उन पदों पर कोई भी भर्ती नहीं करी गई। फिर बात करूं युवा साथियों की, तो देखिए हरियाणा नंबर एक पे आ रहा है बेरोजगारी में, आप सभी लोग जानते हैं बात को। और फिर रही कहीं कसर अग्निवीर योजना ने लाके पूरी कर दी युवा साथियों को बेरोजगार करने में। देखिए आज भी इतने पद खाली है, अगर सरकार चाहती तो उन पदों पर भर्ती कर सकती, लेकिन बीजेपी सरकार ने क्या किया कि 5 किलो राशन तो ले लो लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं मिलेगी, बेरोजगारी तो इतनी चरम पे पहुंचा दी। फिर बात करूं किसानों की, देखिए जब कांग्रेस सरकार का शासन था तो आज से 10 वर्ष पहले एक किसान ने भी आंदोलन नहीं किया, अपने हरियाणा में ये रिकॉर्ड रहा है। और करोड़ों का कर्जा माफ किया गया था जब कांग्रेस सरकार शासन में थी, और पिछले 10 वर्षों में बीजेपी के शासन में 1 रुपए का भी कर्ज माफ नहीं किया गया, 1 रुपए का, 1 सिंगल रुपए का भी। और देखिए 750 किसान हमारे शहीद हो गए, और वो अपने हलके का मंत्री था जो उन किसानों पे हंस रहा था, अपने हलके की बेटियां भारतवर्ष की बेटियों पे जो अपमानजनक टिप्पणी करी वो अपने हलके का मंत्री था। ये सारी बातें आपको भूलनी नहीं है। तो देखिए बातें हो गई बच्चे की, युवा साथियों की, किसानों की। बात करूँ खिलाड़ियों की, तो जो तिरंगे के लिए मेडल लेके आई बेटियां, जो देश के लिए मेडल लेके आई, उनके साथ क्या हुआ बीजेपी सरकार में? जंतर मंतर पे जब वो बैठी तो उनके बाल पकड़ के उनको घसीटा गया, वो रोती रही, लेकिन सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब वो बेटी देश के लिए मेडल लेके आती है तो सरकार सबसे पहले आके फोटो खिंचवाने तो आ जाएगी, लेकिन जब वो आंसू उसके निकलते हैं तो क्या आंसू पोछने वो आई सरकार, वो उस पे आंसू गैस छोड़ी गई, उसके बालों से घसीटा गया और उस पे लाठीचार्ज किया गया। ये सारी बातें आपको भूलनी नहीं है। आगामी 5 तारीख को हम सबको इसका जवाब देना है 1 बटन दबा के, और वो बटन होगा हाथ का राजवीर पटिया जी के सहयोग में। देखिए कांग्रेस सरकार की घोषणाओं के बारे में अब मैं बताना चाहूंगी कि आने वाले वर्षों में सरकार की क्या योजनाएं हैं अपने हलके के विकास के लिए, क्योंकि अपने मंत्री तो बता नहीं पा रहे कि पिछले 10 वर्षों में उन्होंने क्या किया या आने वाली योजनाएं क्या रहेंगी, क्योंकि उनके मुंह पे बस एक ही नाम जवाब है राजवीर पटिया, लेकिन मैं कांग्रेस सरकार की योजना है। देखिए जो बुढ़ापा पेंशन, जैसे कि पूर्व वक्ता हमारे केयर सिंह जी ने बताया कि 6000 बुढ़ापा पेंशन हो जाएगी, तो दूसरी भाषा में मैं बोलूं तो देखिए 6000 गोज में और बुढ़ा बुढ़ी मोज में। अब मैं बात करूं युवा साथियों की, जो पद खाली उन पदों पे जल्द से जल्द भर्ती शुरू करी जाएगी और रोजगार देने का काम उन्हें किया जाएगा। बात करूं मैं किसानों की, तो MSP की कानूनी गारंटी उनको दी जाएगी और तत्काल में मुआवजा देने का काम किया जाएगा कांग्रेस सरकार द्वारा। बात करूं महिलाओं की, तो जो आज रसोई सिलेंडर 1100 का मिल रहा है वो कांग्रेस सरकार के आते ही 500 रुपए का कर दिया जाएगा, और हर महिलाओं के लिए एक और योजना है कि 2000 प्रति माह उन्हें दिया जाएगा। बात करूं कर्मचारियों की, एक पहले योजना होती थी OPS की और पेंशन स्कीम वाली, वो योजना सभी कर्मचारियों के लिए वापस से लागू हो जाएगी। बात करूं खिलाड़ियों की, तो देश के लिए पदक लेके आएंगे और हम उन्हें काम करें।
करेंगे पद देने का, तो वो योजना पहले वाली वापिस से लागू होगी। पदक लाओ पद पाओ योजना खिलाड़ियों के लिए। देखिए ये जो स्वास्थ्य की मैं अगर बात करूँ तो 25 लाख तक का जो इलाज होगा वो सरकारी तौर पे मुफ्त में किया जाएगा सरकार द्वारा। ये योजना पत्र घोषणा पत्र इस प्रकार बनाया गया है हर वर्ग को देख के, चाहे बात बच्चों की, चाहे बात हो बुजुर्गों की, चाहे बात हो दिव्यांग की, चाहे बात हो शिक्षा की, चाहे बात हो रोजगार की, किसानों की, हर वर्ग के हित में काम किया जाएगा। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी और राजवीर कोटिया जी पूरे लोहारू हल्के की शिक्षा पे काम करेंगे, युवाओं के रोजगार के पे काम करेंगे, बहन बेटियों के सम्मान पे काम करेंगे। आने वाले आगामी जितने भी वर्ष हमारे रहेंगे, जैसे आज ये चुनाव चर्चा में है, आगामी आने वाले दिनों में लोहारू हल्के का विकास भी चर्चा का विषय रहेगा। देखिए ये मात्र एक ऐसा इलेक्शन है, पूरे मैं कहूंगी भारतवर्ष में इतने सालों बाद जो चर्चा का विषय है, ये पूरे विधानसभा में, सारे विधानसभा में ये होटिट है, क्योंकि आम व्यक्ति और एक मंत्री के बीच में इलेक्शन है। और ऐसा इलेक्शन इतने सालों बाद देखने को मिला है, जनता इसको इलेक्शन सच के काम कर रही है, अपने आप को राजवीर भटिया जी समझ के काम कर रही है, इतनी खुशी के साथ काम कर रही है। देखिए कोई झूठी बातें नहीं है, जब आज गाँव में भी जाते हैं तो जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जितने भी मेरे दादा दादी है, वो यही बोलते हैं कि आप क्यों आए हो, या नहीं आना, ये हमारा काम है और हम इसको कर लेंगे, आप अपना घर बैठो। और कई दादा दादी तो ऐसे बोलते हैं, बेटी बस इतना बता दे, तू धूप में मत रह, हम कर लेंगे, तू धूप में मत रह। ये उनका सहयोग, उनका प्यार और उनका आशीर्वाद। देखिए कितना, मतलब इतने सालों बाद मैंने तो इतना प्यार और आशीर्वाद किसी भी नेता के प्रति तो मैंने नहीं देखा, इतना आशीर्वाद और प्यार। गाँव में जाती हूँ तो एक बुजुर्ग महिला ने मुझे कहा कि मेरी पोती अभी अभी अभी, अभी सोई है बिल्कुल, और वो यूँ कह रही थी, यूँ करके दिखाऊंगी मैं जब दीदी आएंगी, मतलब इतनी अपनी जीतेंगे हम। छोटे छोटे बच्चे शायद जानते भी नहीं, जैसे भीम जी ने बताया, इनको पता भी नहीं होगा विधानसभा चुनाव क्या है या चुनाव का महत्व क्या है, लेकिन बच्चों के नाम मुंह में ही नाम है राजवीर भटिया, राजवीर भटिया और राजवीर भटिया। अच्छा कुछ बुजुर्ग ये भी बोलते हैं, बेटी मत लेना, अरे घबराहट और पसीना भी पक्ष को चुका है, ये भी सुन लो दादा और दादी, मेरे को बिल्कुल घबराहट नहीं है, क्योंकि मुझे तहसील निश्चित है, कोने कोने से एक ही आवाज है लोहारू में, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से आएगी राजवीर भटिया जी नेतृत्व में, हर समय जीत और मार्जिन बड़ा करना है, विधायक नहीं मंत्री पद अपने हल्के के लिए लेके आओ। मैं अपना काम कर रही हूँ जीत के मार्जिन पे, ताकि जीत लंबी हो, जीत तो निश्चित है, और 5 तारीख को उस मंत्री का घमंड भी टूट जाएगा और उस तानाशाह सरकार का भी घमंड टूट जाएगा, और अपने हल्के में आएगी कांग्रेस सरकार और राजवीर भटिया जी, वो सरकार, वो मंत्री और वो बेटा, वो भाई जो 36 बिरादरी को साथ लेके हमेशा चला, और देखिए आपके सुख में और आपके दुख में हमेशा खड़ा रहा। देखिए आपके बीच में इतने राजनीतिक लोग आए होंगे जो वोट अपील करते हैं, लेकिन राजवीर भटिया जी की एक खास बात है, उन्होंने पूरे हल्के के लिए पहले काम किया है और फिर वोट अपील आई है। और वो वोट अपील मैं आप सभी से कर रही हूँ कि आगामी 5 तारीख को हमें अपने भाई और बेटे के समर्थन में ये हाथ का बटन दबा के आना है, 5 नंबर पे हाथ का बटन, 5 तारीख और 5 साल की योजना, सब कुछ 5, 5 और 5, और वो भगवान भी साथ है। आप सभी लोगों के सहयोग और आशीर्वाद के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और आने वाले समय में आश्वासन देके जा रही हूँ आपकी बेटी बहन और पोती कि इसको 4 चांद लगाने का काम किया जाएगा राजवीर भटिया द्वारा। देखिए अब 2 नारे लगाऊंगी मैं, नारे की आवाज तेज, और बहन भटिया पूरे पूरे गांव की दर्शन की गहराई।